हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पता नहीं कैसे मालिक, पर बलरामगढ़ के मेरे पंटो को सामने से अचानक कॉल आया कि दोनों अजय कनौजिया और सागर भट्ट बलरामगढ़ के किशन लॉज में छुपे हुए हैं। ये फिर एक बार हमारी तहकीकात को दिशा दी जा रही है, हमें एक संदेशा दिया जा रहा है। उठा लो दोनों को, मैं तब तक एडिटर नरेश पचौरी से बात करता हूँ। चाल क्या अजय, हाँ ये रेड है या सरेंडर, हमें तो पता नहीं, तू ही बता दे। आप ये पूछ रहे हैं कि दीपिका राय की टिप क्यों दी मैंने? दी मतलब थाली में परोसी, इतनी दया, इसका कोई कारण तो जरूर होगा नरेश जी। आपके सभी इंस्पेक्टर दुबे मुझे सामने से फोन करते हैं, कहते हैं हम इस केस में अटके हुए हैं, पॉलिटिकल एंगल क्या है जानने में मदद करो। तो जो कुछ मुझे पता था मैंने शेयर किया आपके साथ, और अब आप पूछ रहे हैं क्यों शेयर किया? मतलब दीपिका राय जगनपुर जिले की लोक अधिकार दल की अध्यक्षा, जिन्होंने खुद सरिता चौधरी का नाम प्रपोज किया था सरपंच के चुनाव के लिए, उन्होंने ही सरिता चौधरी को हरवाने में भूमिका निभाई। हाँ मेरे सूत्रों का तो यही कहना है, पर आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? पॉलिटिक्स में तो ये रोज का है, दाल चावल एकदम। और मेरे सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि यह तक तय हो गया था कि अगर यह प्लान लीक हो जाता है तो सारा जिम्मा सीधे सरपंच मनीषा प्रजापति के सर पर डाल दिया जाए। नरेश जी अगर आपको इतना पता है तो फिर हमें यह भी बता दीजिए कि मोहरों की डोर किसके हाथ में है, कौन है किंग पिन जो एक के बाद एक शक की सुई घुमाता जा रहा है, पहले विकास के कजिन ज्ञानी चौधरी और उसके बेटे कुंदन चौधरी पर, उसके बाद विकास की पत्नी सरिता चौधरी पर, फिर सरपंच मनीषा प्रजापति पर, और अब आपके जरिए दीपिका। अगर मुझे इस किंग पिन के बारे में पता होता राजपूत साहब तो मैं इतनी गर्म खबर तुरंत अपने अखबार में नहीं परोसता, सर्कुलेशन बढ़ जाता मेरे अखबार का। राजपूत साहब देखिए मैं एक मैसेंजर हूँ, दूत हूँ, मशहूर कहावत तो सुनी होगी, मैसेंजर को कभी गोली नहीं मारते, उस पर तो बंदूक भी नहीं थानते, जैसा कि इस वक्त आप कर रहे हैं। इस वक्त मेरा एक ही लक्ष्य है नरेश जी, विकास चौधरी के मर्डर केस को क्लोज करना। पर कोई है जो आपके जरिए तो किसी और के जरिए हमें ऐसे संदेश भेज रहा है जिससे कत्ल का मकसद और कातिल दोनों गुमराह। कौन है इसके पीछे? यकीन कीजिए जिस पल मुझे पता चल गया पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तुरंत। सर हम तो पहले ही बिल में छुपे बैठे थे, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि आप लोग हम तक कैसे पहुंच गए। हम लोग खुद अपने आप को भला क्यों पकड़वाएंगे, अगर ऐसा ही था तो भागते क्यों? तो फिर भागे क्यों? ऑर्डर मिला भागो, अंडरग्राउंड हो जाओ। किसने ऑर्डर दिया? कुंदन चौधरी ने मैडम। हेलो हेलो अजय, कुंदन। बोलो कुंदन भाई। सागर को लेके कट ले तू, अंडरग्राउंड हो जाओ दोनों, घर बंद, फोन बंद, सब कुछ बंद, और जब तक मैं कांटेक्ट ना करूं ना दिखना मत तुम दोनों। साहब मैंने सागर को बताया और हम दोनों निकल गए जगनपुर से। साहब हमको तो अभी जाके मालूम चला है कि विकास चौधरी के मामले में हमको अंडरग्राउंड होने के लिए बोला गया था। दूध पीते अच्छे बच्चे हो ना तुम दोनों, मम्मी डैडी ने बोला बेटा अंडरग्राउंड हो जाओ और तुम लोग हो गए, क्यों क्या कुछ नहीं पूछा? आपको ऑर्डर आता है डीएसपी साहब का तो आप थोड़ी पूछते हैं क्यों क्या कैसे, वो आपके आका है, चौधरी साहब हमारे आका है। तो बड़े आका और छोटे आका दोनों साथ में थे जब तुम दोनों ने विकास चौधरी को मारा? हमने विकास जी को नहीं मारा। अगर ऑर्डर आता मारते ना तब भी तो तब सोचते ना मालिक, पर हमें ऐसा बोला ही नहीं गया। तो क्या ज्ञानी और उसके बेटे कुंदन ने उसे मारा? अब वो हम कैसे बता सकते? अभी शरीफों की तरह पूछ रहे हैं तो हल्के में ले रहा है, हाथ पर तोड़कर भी निकलवा सकते हैं हम। मैडम केला छीलेंगे तो अंदर केला ही निकलेगा, कटहल नहीं। अरे हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। पर देखिए साहब अपना मकसद पूरा हो गया तो हम लोगों को कैसे पकड़ा दिया? देखिए मकसद क्या था, गेम क्या? खेलना आता हमें तो हम ऐसे चिंदी चोर थोड़े ही होते, जैसा कहा जाता है वैसा कर देते हैं बस। लेकिन साहब विकास जी को हमने नहीं मारा है। एक मिनट इंस्पेक्टर, आप मुझसे किस बारे में पूछताछ कर रहे हैं? पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है क्या नहीं, इसका पुलिस से क्या ताल्लुक? जरा बताएंगे किसने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है दीपिका जी, मैंने आपसे पूछा क्या विकास चौधरी आपके रास्ते का कांटा था? जवाब है नहीं था। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दें, आप इस रास्ते का कांटा वाली बात तक कैसे पहुंचे? कौन है वो जिसने आपको ये वाहियात खबर दी है कि सरिता की हार में मेरा हाथ है?
उसी ने खबर दी जिसका ये कहना है कि विकास चौधरी के मर्डर में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आपके इस खबरी ने सबूत भी दिए होंगे आपको? सबूत हैं हमारे पास दीपिका जी। आप हमारे थाने आ रही हैं या मैं अपनी टीम भेजूं आपके ऑफिस आपको लाने? एक बात याद रखो दीपिका, अगर मैं डूबी तो तुम भी डूबोगे। विकास चौधरी मर्डर केस एक गेंद की तरह कई खिलाड़ियों के बीच उछलता जा रहा था। हम भी इन खिलाड़ियों से जूझ रहे थे ताकि साजिश के हाथ पैर समझ में आए। हर खिलाड़ी गेंद को न सिर्फ दूसरे की तरफ उछाल रहा था बल्कि बड़ी आसानी से अपने ऊपर के शक के साए को भी छटक रहा था। चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ होने से पहले ही अपने प्यादों को अंडरग्राउंड कर दिया। जैसे ही विकास की मौत की खबर आई हमें यकीन था कि सबसे पहले उंगली हम पर ही उठे। पोस्टमार्टम में मौत को एक्सीडेंट बताने की कोशिश की गई, ये सब होने के पहले ही हम समझ गए थे हम पे तो शक उठेगा ही उठेगा। और सरिता तो हमारे ही नाम लेगी, ये हम जानते थे। आपको हमारी बेल ऑपोज करने की बजाय, यहाँ बैठकर इंटरोगेट करने की बजाय सरिता चाची के घर जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं। क्योंकि सर सच तो ये है कि हम उस रात उनके घर गए ही नहीं थे। पर फोन तुम्हारा गया था, तुम्हारे प्यादे अजय कन्नौजिया के पास, उससे अंडरग्राउंड होने के लिए कहा था। हाँ गया था। अजय कन्नौजिया और सागर भट्ट दोनों हमारे ही प्यादे हैं, हमसे करीब है, इसलिए जाहिर है हमारा नाम तो उठना ही था। और फिर आप उन्हें घसीट कर यहां लेकर आते, उन्हें कूट कूट कर जबरदस्ती हमारा नाम लेने पर मजबूर करते, इसलिए मैंने कुंदन से कहा कि उन दोनों को कहीं बाहर भेज दे। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक पॉलिटिकल गेम है, हमारी निजी घरेलू अनबन का गलत फायदा उठाकर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल गेम तो आप लोगों ने भी कम नहीं खेला, अपनी ही फैमिली के मेंबर के खिलाफ मनीषा प्रजापति को चुनाव में जितवाया। हाँ बिल्कुल जितवाया, और इस काम पर बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हमने, और जिन लोगों ने यह काम करवाया ना अब वो लोग कोई और ही गेम खेल रहे हैं। आपके कंधे पर बंदूक रखकर हम पर ट्रिगर दबा रहे हैं। नाम बोलिए, क्या निजी नाम बोलिए जिसके हाथ में बंदूक है, और मकसद बताइए इस खेल का। क्या विकास चौधरी का कत्ल इसलिए करवाया कि वो बड़ा आदमी था, पैसों के दम पर अगले चुनाव में भी अपनी पत्नी को खड़ा करता और चुनाव हर हाल में जितवा कर रहता? शायद यही कारण, लेकिन सवाल पूछिए सरपंच मनीषा प्रजापति से, दीपिका राय से। दीपिका जी खुद अपनी ही पार्टी की एक उम्मीदवार सरिता चौधरी के खिलाफ मोर्चा चला रही थी, अंदर ही अंदर हमारे कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगा रही हैं। अब ये सब लोग मिलके इस कांड में भी हमें ही बलि का बकरा बना रहे हैं। सर आप हमारी जमानत अपोज करते रहेंगे, हमारी रिमांड बढ़ाते रहेंगे, पर सर मुझे ये बताइए कि आपको हमारे खिलाफ कोई सबूत मिला है? आप बार बार मुझसे वही सवाल क्यों किए जा रही है कि ज्ञानी भी और कुंदन को मैंने देखा था या नहीं? क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है उस रात उनके यहाँ आने का, और ना ही कहीं आपके पति के साथ होने का। तो आप कोई गलती तो नहीं कर रही है? मुझे लगता है मेरी गलती यही है कि मैं राजनीति के इस खेल को कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज्ञानी भी और कुंदन डंके की चोट पे झूठ बोले जा रहे कि वो यहाँ नहीं आए थे, जबकि मैंने खुद उन्हें अपनी नजरों से देखा था। और वो दीपिका जी, उन्होंने तो खुद मेरा नाम चुनाव के लिए आगे रखा था, फिर वो मुझे क्यों हराना चाहती थी? मैंने उन्हें कभी अपना दुश्मन नहीं समझा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को इतने लोग अपने रास्ते का कांटा समझते हैं, और उन्हें मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। हर संदिग्ध हमें राजनीतिक ज्ञान बांट रहा था, और इसी चक्कर में हमें घुमा भी रहा था। विकास चौधरी का कातिल इसी घुमावदार भंवर में कहीं छुपा हुआ था। आपने कहा था कि विकास चौधरी मर्डर केस में मेरे शामिल होने के सबूत है, वही देखने आए। दिखाइए सबूत। कोई हिस्ट्री शीट हाथ लगाया आपके, जो क्राइम सीन पर मौजूद था और मुझसे टच में रहा हो? नहीं, मर्डर इस तरह से प्लान किया गया कि अभी तक हम किसी हिस्ट्री शीटर को इससे जोड़ नहीं पाए। अभी तक हमें यह भी पता नहीं है कि उस रात विकास चौधरी किसके साथ बैठकर शराब पी रहा था और कहां। और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं? जानती हो तो बताइए। उस रात विकास आपके साथ था? उस रात विकास चौधरी आप लोगों के साथ था। सबूत चाहिए? मिल जाएंगे। सबूत पेश करो इस बात कि विकास को आपके डिपार्टमेंट ने मार दिया, और अब तहकीकात का झूठा नाटक चला रहे हैं। असली गुनहगार को पकड़ने के बजाय गोल गोल घूम रहे उसके इशारों पर, जिसने आप लोगों की जेबें गर्म किए झूठा नाटक करने के लिए, विकास की सुपारी दी है। अब आप हमें उस बंदे का नाम दीजिए जिसने हमारी जेबें गर्म की, हमें सुपारी दी। दीपिका जी, या तो आप हमें उस बंदे का नाम दीजिए, नहीं तो मैं FIR में आपका नाम दे दूंगा कि आपने हमें
चनकपुर थाने को इतने इतने पैसे दिए सुपारी के, क्योंकि आपकी दुश्मनी थी विकास चौधरी के साथ, और हमने हमारे फेमस एनकाउंटर के बजाय एक नया तरीका अपनाया। हमने ज्ञानी और उसके बेटे कुंदन को विकास चौधरी के घर भेजा उसे लाने के लिए, और फिर हम उसके साथ बैठे, हमने उसको खूब शराब पिलाई जैसे कोई पार्टी हो, फिर हमने उसका गला घोट दिया। फिर हमें लगा कि अरे नहीं 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 नहीं, इसको तो एक्सीडेंट दिखाना चाहिए। तो हमने हमारे एक कांस्टेबल से एक फोन करवाया, धमकाया पोस्टमार्टम डॉक्टर अश्विन गुप्ता को। और इतना ही नहीं, एक साल पहले विकास चौधरी और उसकी गर्लफ्रेंड पायल वाजपेयी पर हुए एक आधे अधूरे से स्टिंग ऑपरेशन को वापस रोशनी में लाए, ताकि तहकीकात गोल गोल घूम सके, कानून का हाथ आपके गृहवान तक ना पहुंच सके। आपको क्या लगता है मैं डर गई? बिल्कुल नहीं, और वजह यह नहीं है कि मेरे पास पावर है, राजनीतिक लोगों से जान पहचान है, लेकिन इसीलिए नहीं डरती मैं क्योंकि मेरा हाथ और मेरा जमीर दोनों साफ है। मैं विकास चौधरी के मर्डर केस में शामिल नहीं हूं। तो फिर कौन शामिल है? मुझे नहीं पता, आप लोग पता लगाइए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि मेरी विकास चौधरी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, मुझे बुरा लगा था जब विकास की पत्नी सरिता का नाम उम्मीदवार के तौर पर आगे करना पड़ा, क्योंकि उस सीट की असली हकदार मैं थी, लेकिन विकास ने पैसे के बलबूते पर अपनी पत्नी सरिता के लिए टिकट मांगी और मेरी पार्टी मान गई, मुझे किनारे कर दी। ज्ञानी चौधरी और उसके बेटे कुंदन चौधरी को आपके पॉलिटिकल गेम के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो क्या उन दोनों को विकास के मर्डर के लिए भी इस्तेमाल किया गया था? सिर्फ एक सबूत दिखाइए कि मैंने ज्ञानी के जरिए विकास को मरवाया, तो मैं पार्टी क्या पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। एक नसीहत दूं, सुनेंगे आप? नसीहत मतलब अब नए बंदे या बंदी पे उंगली उठाएंगी? नहीं नहीं, पुरानी बंदी है जो इस फसाद की जड़ है, और वो सरिता खुद है। हाँ, विकास ने उसे कठपुतली बनाकर अपनी जगह पर खड़ा किया था और वो हार गए, उसे राजनीति की समझ नहीं थी, पर दरअसल विकास को समझ नहीं थी। लेकिन उस उपचुनाव की हार का नतीजा ये आएगा, ये सोचा नहीं था। किसने सोचा नहीं था? मैंने, पार्टी के बाकी लोगों ने, और शायद विकास ने भी ये नहीं सोचा होगा। सरिता उस हार के बाद बिल्कुल बदल गई थी। विकास ने अपने फायदे के लिए टट्टू बनाकर सरिता को राजनीतिक मैदान में उतार तो दिया, पर उस कठपुतली में जान आ गई थी। वो अब खुद पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेने लगी। जिले में अपने बलबूते पर समाज सेवा शुरू कर दी सरिता ने। उसे अगले चुनाव में खुद से खड़ा होना है, इस सीट से नहीं तो किसी और सीट से, ये तो उसने आपको बताया नहीं होगा। अब आप डायरेक्टली उंगली उठा रही हैं सरिता चौधरी कि सरिता ने ही अपने पति विकास चौधरी को मरवाया। नामुमकिन, राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता सर। चक्का फुटबॉल अब दोबारा से सरिता की तरफ ढकेला गया, जैसे उस धमकी देने वाले कॉलर ने ढकेला था। सर एक बात तो साफ, इस खेल के सभी खिलाड़ियों को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि विकास के कजिन ज्ञानी चौधरी और उसके बेटे कुंदन के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला। हमारे पास एक भी ठोस सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि ज्ञानी और कुंदन पहले विकास के घर गए, उसे बाहर ले गए, शराब पिलाई और उसे मार दिया। तो क्या ये केस उन पॉलिटिकल हत्याओं के अनसुलझे केसेस की लिस्ट में जमा होगा जिनके खिलाफ कोई सुराग नहीं है? सर शायद ये हत्या इसी मकसद से प्लान हुई, टॉप लेवल से की गई हुई प्लानिंग। टॉप लेवल से मेरा मतलब है कहीं लोक अधिकार दल के चीफ तो इस गेम के मास्टरमाइंड नहीं है, राम निहाल पाठक। मैंने दीपिका, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारा नाम दिया? और कौन ऐसा कर सकता है पाठक जी, इस तरह सारी डोरों को अपनी मर्जी से आपके अलावा और कौन खींच सकता है? तुम्हें बड़ी हिम्मत है दीपिका, अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी की, मनीषा की मदद करके अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने में कामयाब रही। तो एक नहीं हजार बार कहा था आपसे, जगनपुर की सीट मेरी है, मेरे हक की है, सालों दिए हैं मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सींचने में। और मैंने भी तुम्हें हजार बार कहा कि इस बार नहीं, इस बार टिकट का लालच मत पाल। बीती बातें भूल जाते हैं ना पाठक जी। खैर, मैंने पुलिस में आपका नाम नहीं लिया। और लिया होता तो क्या मुझ पर कहर टूट पड़ता? या तो तुम बेवकूफ हो या भोली, और पॉलिटिक्स में दोनों की जगह। तो फिर मुझे इस केस में क्यों फंसाया जा रहा है? क्या तुम इस कत्ल में शामिल हो? पाठक जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इस कत्ल में शामिल नहीं हूँ। दीपिका अगली बार लिमिट में रहना, लकीर क्रॉस मत करना। समझ गए, लेकिन पाठक जी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस आग को बुझा दीजिए। जो आग मैंने नहीं लगाई है उसे बुझाना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, मगर तुम इतना समझ लो कि अगर तुम विकास चौधरी के कत्ल में शामिल नहीं हो तो यह आग तुम्हें लपेटे में नहीं लेगी। उनके प्लान के मुताबिक वाकई में इस केस में कोई नई आग नहीं लगी। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। हमने अब सरिता के स्टेटमेंट को उसकी सास यानी विकास की मां से भी कंफर्म करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
सरिता का पीछा करने से हमें वही बात पता चली जो दीपिका राय ने हमसे कही थी कि सरिता वाकई में पॉलिटिक्स में काफी दिलचस्पी ले रही थी, पर सरिता की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा कोई इस बात का सबूत नहीं थी कि वो अपने पति का कत्ल करवा सकती है। पर इस केस का एक ऐसा एंगल था जो हमारी नजरों से पूरी तरह चूक गया था, या शायद इसलिए चूक गया था क्योंकि उसे इस कदर छुपाया गया था कि वो हमारे रडार में आए ही नहीं। शायद इस केस के सभी संदिग्धों ने मिलजुल कर वही रडार में आने दिया जो वो चाहते थे, और बाकी सब कुछ पर्दे के पीछे रखा गया। बहुत जल्द हमारे हाथों से ज्ञानी चौधरी और कुंदन की कस्टडी जाने वाली थी, उन्हें बेल मिलने वाली थी, पर तब तक उनसे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला था जो इस केस को आगे बढ़ा सके। ठीक वैसा ही अजय कनौजिया और सागर भट्ट के स्टेटमेंट्स के साथ हो रहा था। अपने उसी स्टेटमेंट्स पर दोनों हिस्ट्री शीटर्स अड़े रहे, तहकीकात की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अधिकार दल के चीफ राम निहाल पाठक से क्वेश्चनिंग करना चाहते हो? क्या मिलेगा इससे? पता नहीं सर, पर सर मैं इतना श्योर हूं विकास चौधरी के केस को टॉप लेवल से कवर अप किया जा रहा है। देखो, अगर इस केस में कुछ कवर अप हुआ भी है तो तुम कैसे अनकवर करोगे? तुम्हें क्या लगता है राम निहाल पाठक से तुम क्वेश्चनिंग करोगे और वो तुम्हें कुछ ऐसा बता देंगे जिसे तुम्हें इस केस में लीड मिल जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास कोई ठोस सुराग, कोई ठोस सबूत होना चाहिए जिसके ग्राउंड पर तुम उससे क्वेश्चनिंग करना चाहते हो। नहीं है सर, नहीं है। इसलिए सर मैं आपसे मदद मांग रहा हूं। तो मेरी नसीहत ले लो, मदद से ज्यादा बेहतर है। दूसरे केस पर ध्यान दो, ये केस आगे नहीं जाने वाला। लेकिन सर नो लेकिन राजपूत, नो लेकिन। अगर खुद से बाद में कोई लीड आ जाती है तो तुम एक्शन लो, जिसे चाहो धर लो, बट अभी इस समय विकास चौधरी मर्डर केस को एक तरफ रखो। मेरे सर पर कोई गन नहीं थी कि मुझे मुको पकड़ना ही है। मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था जो कह रहा था कि परेशान रहो, टेंशन में रहो, क्योंकि तुम्हारा केस आगे नहीं बढ़ रहा। कई केसेस में ऐसा पहले भी हुआ था, ये फ्रस्ट्रेशन कोई नई नहीं थी। ये ऐसा केस तो है नहीं जहां मैं क्राइम सीन को स्टडी करके आपकी कोई मदद कर पाऊं इंस्पेक्टर। जानता हूं अमृता, और ऐसी कोई मुझे उम्मीद भी नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें अलग अलग क्लूज देकर घुमाया गया, लेकिन ये गेम क्या था मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इस केस में कल्प्रिट का पता लगा ही नहीं पाई इंस्पेक्टर, जरा भी नहीं। लेकिन एक बात मैं श्योर हूं कि इस मर्डर केस को एक्सीडेंट केस बताने की कोई वजह ही नहीं थी। साफ साफ मर्डर का केस है, गला घोटा गया, लाश को ठिकाने लगा दिया, बाइक को भी वहां उसी जगह छोड़ दिया गया, सिर्फ टेल लाइट्स तोड़ी गई थी। पोस्टमार्टम डॉक्टर गुप्ता को भी जो धमकी वाला फोन आया था वो कोई सीरियस धमकी नहीं थी, उसका असली मकसद था आपको गुमराह करना। इसलिए धमकी देने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया धमकाने वाले ने? जी हाँ, सोचिए आप क्राइम सीन पर हैं, साफ साफ दिख रहा है कि गला घोटा गया, फिर भी पोस्टमार्टम डॉक्टर गुप्ता को फोन जाता है कि मर्डर केस को एक्सीडेंट का केस बना दो। तो ये साजिश थी, प्लान ए, एक डाउट तैयार करना, जबकि डाउट करने का कोई कारण नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली हाँ। फिर सामने आए ज्ञानी चौधरी और उसका बेटा कुंदन चौधरी, जिसके बारे में आपको विक्टिम की पत्नी सरिता चौधरी से पता चला। यहां पर एक खास मोटिव था, जमीन। दोनों पार्टीज के बीच की रंजिश को तो सभी जानते हैं, पर ज्ञानी चौधरी और उसका बेटा कुंदन साफ साफ मना करते हैं कि वो विकास चौधरी के घर पे गए ही नहीं थे। जो शायद सही कह रहे, क्योंकि विकास चौधरी उनके साथ जाता ही नहीं, वो भी साथ में बैठकर शराब पीने। करेक्ट। तो सोचिए विकास किसके साथ बाहर जा सकता था, कौन है वो लोग जिनके साथ बैठकर विकास ने ड्रिंक्स ली। लेकिन इसके पहले कि आप उस दिशा में टटोलते, इस खेल की एक और नई इनिंग शुरू होती है, प्लान बी। यस, साजिश करने वालों ने आप लोगों की टीम को किसी एक दिशा में पूरी तरह से घुसने का मौका ही नहीं दिया। विकास की गर्लफ्रेंड पायल बाजपाई
और होटल K9 वाले सुराग आप लोगों के सामने रखे गए। सूरज दालमिया आगे आया। अतीत में हुआ एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ था कभी। और इस प्लान बी से हमें सरपंच मनीषा प्रजापति की तरफ कर दिया गया, जो सरिता चौधरी के खिलाफ चुनाव जीती थी। पर इसके पहले कि आप सरपंच मनीषा प्रजापति वाले एंगल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते, आपकी गोदी में हिस्ट्री शीटर अजय कनौजिया और सागर भट्ट को डाल दिया जाता है और साथ ही में दीपिका राय परोसी जाती है। और इनमें से किसी के खिलाफ भी हमारे पास कोई सुराग नहीं थे कि वो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। प्लान ए और प्लान बी का एक ही मकसद था कि आप प्लान सी के जाल में फंसो। अब प्लान सी ये था कि आप सब पर शक करो, आपके हाथ कुछ भी ना आए, नेट रिजल्ट अब एक जीरो। तुम्हें क्या लगता है हमारे ये सारे संदिग्ध आपस में मिले हुए हैं? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो उसी नतीजे पर आ पहुंची है ना इंस्पेक्टर, कि सभी को कुछ ना कुछ पता है, सभी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, पर ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ जानता हो, जो आपको मुजरिम तक ले जाए। तो ये था फाइनल प्लान सी। मैंने शुरुआत में ही आपसे पूछा था क्या आप इस केस की तह तक वाकई में जाना चाहते हैं। हाँ बेशक अमृता। तो फिर आप सभी दरवाजों पर दस्तक देते नहीं फिर सकते? तो तुम बताओ अमृता, कौन से दरवाजे पर दस्तक दे जो इस केस का रास्ता खोले? मैं कोई सुझाव नहीं दे रही, मैं सिर्फ एक हिंट जरूर दे सकती हूँ। सबसे पहले आप सभी दरवाजों पर दस्तक देना तुरंत बंद कर दीजिए। उनके फेंके हुए इशारों के फुटबॉल को टप्पे खाकर एक तरफ रुकने दीजिए। आप किक ना मारिए। तो उन्हें आने दो हमारे दर दस्तक दे। शायद हाँ इंस्पेक्टर, आप अपने प्लान से उनके प्लान को मात दीजिए। रिस्की है आई नो, आखिरकार आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप उनकी तरह पॉलिटिक्स तो नहीं खेल सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इस सोए हुए केस को दोबारा से जगाकर बिल्कुल सामने लाने वाला था। बहुत जल्द दस्तक हमारे दरवाजे पर होने वाली थी। हेलो, बवाल मचाने वाली खबर चाहिए नरेश? ब्रेकिंग न्यूज। कौन हो तुम? एक खबरी। किस किस्म की खबरी हो तुम? बेनाम गुमनाम खबरी, उड़ती चिड़िया, अज्ञात सूत्र, जो नाम पसंद है कर दो मेरा नामकरण। नाम एक तरफ पर मेरा काम तगड़ा है। ऐसी टिप दूंगा जो एक जबरदस्त साजिश की सारी कड़ियां जोड़ देगी। कैसी साजिश? विकास चौधरी के कत्ल की साजिश। देखो भाई, जो भी हो तुम, तुम्हें अपनी पहचान तो देनी होगी, या फिर जो तुम बताओगे उसका थोड़ा प्रमाण देना होगा। क्या है ना कि हम एक जिम्मेदार अखबार है, उड़ती चिड़िया के अंडे का ऑमलेट नहीं बनाते। विश्वसनीयता समझते हो? तुम नहीं तो कोई और ऑमलेट बनाएगा। किसी को चिड़िया की कुंडली में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस हेडलाइन चाहिए। तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए नरेश? महीने पहले जो एक हिट एंड रन मर्डर केस मालूम हो रहा था, अब एक राजनीतिक साजिश का नतीजा लगने लगा है, जिसमें शायद टॉप लेवल के राजनेता शामिल थे। विपक्ष इस हत्या के केस को विधानसभा में उठाने के फिराक में है। क्या विकास चौधरी खुद की ही पार्टी को एक्सपोज करना चाह रहे थे, जिसके चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? हमारे सूत्रों से हमें गुप्त संदेश मिल रहे हैं जो विकास चौधरी हत्याकांड में जगनपुर की सरपंच मनीषा प्रजापति, लोक अधिकार दल की जिला अध्यक्ष दीपिका राय और पार्टी चीफ राम निहाल पाठक पर उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पिछले वर्ष की जिला परिषद चुनाव में जो पार्टी विरोधी गतिविधियां हुई थी उनमें विकास चौधरी की मुख्य भूमिका थी। वाह नरेश, उससे पूछे बगैर इस केस में मेरा नाम जोड़ दिया। लगता है अपने आप पर मानहानि का केस ठुकवाने का शौक है आपको। हमारा तो एक ही शौक है पाठक साहब, और वो है सच को रोशनी में लाना। आप अगर इस खबर को नकारते हैं तो एक डिनाइल नोट भेज दीजिए ना, मैं वो भी तुरंत छाप दूंगा। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि अखबार में छपी खबर कमान से निकले तीर से कम नहीं होती। आप अपने सोर्स का नाम बताइए। सॉरी पाठक साहब, वो तो मैं बताने से रहा। पछताओगे, बहुत पछताओगे। कोर्ट कचहरी के लिए तैयार रहो। सर मैं तो विकास चौधरी के केस से 2 महीने पहले ही हट गया हूँ आपकी नसीहत मानकर। अगर तुम पहले ही इस केस से पीछे हट गए
तो फिर अचानक हर जगह केस क्यों उछल रहा है राजपूत? मुझे कैसे पता होगा सर? मैं तो सर 2 महीने पहले इन्वेस्टिगेशन फॉलो कर रहा था, जैसे उसे फॉलो होना चाहिए था। ये कहूं कि मर्डर के मास्टरमाइंड के दिखाए रास्ते पर तहकीकात कर रहा था, पर सर अब तो लगता है ये कोई नया पिटारा खुला है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। काफी बड़े नाम आ रहे हैं मीडिया में। वैसे सर आप कहें तो मैं इन खबरों के सोर्स को ढूंढने में लग जाता हूं, पर फ्रेंकली सर मुझे लगता है ये गेम पॉलिटिशियन आपस में खेल रहे हैं। मैंने जगनपुर टाइम्स के एडिटर नरेश पचौरी से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि अज्ञात कॉल। वैसे सर हम इस कॉल को ट्रेस कर रहे हैं। कॉल ट्रेस ही नहीं हुआ सर, फर्जी नंबर, फर्जी एड्रेस, सब कुछ फर्जी। ऐसा कितने केसेस में होता है? नहीं बिल्कुल सर, होता है सर। अंदर से पता चला है कि अब इन्वेस्टिगेटिव टीम को चेंज करने की डिमांड हो रही है। ऑपोजिशन एसआईटी या सीबीआई की मांग कर रही है। काम है उनका, करने दो मांग, होने दो टीम चेंज। बस करो मुखौटा पहनना मनीषा, पर्दा गिर चुका है तुम्हारा। विकास चौधरी की हत्या के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र होने की खबर ने बवाल मचा दिया था। दीपिका बकवास न करो। राजनीतिक दुनिया में मानो भूचाल आ गया था। अब हमें किसी से कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं थी। दीपिका अपनी औकात भूलो मत। अब एक दूसरे पर सवालों के वार पर वार किए जा रहे थे। अभी जो हुआ, जो सामने आया, क्या वो अचानक था या सामान्य तौर पर हुआ था या ऐसी किसी जगह से निर्देशित हुआ था जिसका पता हमें शायद कभी नहीं चलता। हेलो, रुक रुक, लिख लेता हूं। पहला नाम मनोज चौहान और दूसरा हरीश चांदेल। खबर यह है कि 4 दिन पहले मेरे एक पंटर ने मुझे 2 नाम दिए, मनोज चौहान और हरीश चंदेल, और बोला कि इन दोनों का टाइम टू टाइम विकास चौधरी घर आना जाना है। मैंने दोनों पे स्पॉट लगाया, देखा हाँ आना जाना तो है। पार्टी के बनते हैं? मैंने भी वही सोचा मालिक, क्योंकि आजकल तो सरिता जी भी पॉलिटिक्स में आने के बाद से काफी फॉरवर्ड हो गई हैं और उनकी समाज से भी जम के चल रही है। कौन है दोनों बंदे और तूने क्या खोद निकाला है मनोज चौहान और हरीश चंदेल के बारे में? सर अपना पंटर जावेद बोला कि दोनों काफी पहले से सरिता चौधरी घर आते जाते हैं और बोला कि ये दोनों लखपति बनने के डिंगे मार रहे थे। मैंने सीधा बोला 5 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। तो फिर क्या बोली? बोली दे देगी। ऐसा बोले कि दे देगी? हाँ बे, क्यों नहीं देगी? देख अब तू भी अपना मुंह फाड़, उसके पास नोट ही नोट है। एक तो वो सीमेंट डिपो छपाई की मशीन, दूसरा इनके पास जमीन शमीन भी बहुत है। और ना विकास जी का कोई रिश्तेदार है ना सरिता का कोई रिश्तेदार है, और ले दे के हम ही तो होंगे, थोड़े बहुत और होंगे, क्या फर्क पड़ता है? तू मांग के तो देख। तेरा ये पंटर जावेद दाना तो नहीं डाल रहा है? नहीं साहब, जावेद अपना खासम खास है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये दोनों ख्वाबों का कबूतर किसी ने उस पर छोड़े हो। तुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जावेद बोला कि दोनों चंगू मंगू अच्छे दोस्त हैं और एक अरसे से यहीं पे हैं। लेकिन चुन चुन के उसी दिन कुटरकुन किया जिस दिन जावेद इनके आगे बैठा था, और वो भी तब जब हवा में मर्डर केस उछला हुआ है। सर उस अज्ञात कॉलर ने भी इशारा किया था सरिता की तरफ, और फिर दीपिका ने भी डायरेक्ट उंगली उठाई थी सरिता पर। उस वक्त हमें गोल गोल घुमा रहे थे, अभी नहीं गर्मी लगने लगी, शायद इसलिए रास्ता साफ कर रहे हैं। अब जब मैं ये क्राइम सीन को देखती हूँ तो लगता है कि ये क्राइम सीन था ही नहीं, ये सब एक सेटअप था। मुझे नहीं लगता कि विकास चौधरी उस रात अपने घर से बाहर जिंदा गया था। उस अज्ञात कॉलर ने हमें सरिता की तरफ ढकेला था? जी नहीं, उस कॉलर ने आपको सरिता से दूर ढकेलने उसका नाम लिया था। एक तरफ वो विकास का कजिन ज्ञानी चौधरी और कुंदन को बेकसूर बता रहा था ताकि आप उन पर और शक करो, और दूसरी तरफ वो सरिता का नाम ले रहा था ताकि आप उसका उल्टा करो। सरिता को लीड नहीं इंस्पेक्टर, मिसलीड समझो। जो हमने समझा भी। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? सरिता का मोटिव दिया, जो थी पायल बाजपाई, पर पायल से आप सरिता तक पहुंचे? नो। कहां पहुंचे? सरपंच मनीषा प्रजापति तक और फिर दीपिका राय तक। तो अज्ञात कॉलर ने सरिता को अपना संदिग्ध बनाकर आपके संदिग्ध लिस्ट से आउट कर दिया, आपको फिर से गुमराह कर दिया। ये कॉलर सरिता का प्यादा हो सकता है इंस्पेक्टर। इस पूरे खेल का रिमोट कंट्रोल शायद खुद सरिता चौधरी के हाथ में ही रहा है। पर सरिता का मोटिव क्या था ये क्लियर होना अभी बाकी है। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूं,
विकास चौधरी ने उस रात घर से बाहर जाकर किसी के साथ भी ड्रिंक्स नहीं ली। उठा लो मनोज चौहान और हरीश चंदेल को, पता करते हैं ये दोनों कबूतर हैं या बकरे। जैसा हमने सोचा था, साजिश का स्क्रू ढीला पड़ने लगा है, पर्दाफाश होने को है। ये सरिता चौधरी हमारी मुचरी। सबसे पहले अहम सवाल, तुम लोगों को मालूम था जावेद हमारा खबरी है, फिर भी तुमने उसकी पीठ पीछे सरिता से पैसे निकलवाने की बात की। यह बात तुम लोगों ने खुद होकर की या किसने कहा था तुमसे बात करने के लिए ताकि बात हम तक पहुंचे? हमने किसी के सामने कोई बात नहीं की। और हमें कहां से कोई पैसे वैसे मिलने लगे सर? देखो दूध पीते बच्चों, उन लोगों की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम हम लोगों का प्यार झेल पाओगे। ये 5 लाख रुपए सुपारी के थे? नहीं नहीं सर, हम कोई सुपारी उपारी नहीं उठाते। सर आप जैसा समझ रहे हो, हम वैसे नहीं है सर। ये पैसा किस काम के लिए मिल रहा था तुम्हें सरिता से? वो सामने से मैं पैसे दिया करती थी, विकास जी थे तब भी देती थी सर। किस काम के लिए देती थी और कितने? हजारों में ही देती थी, कभी 5 दिए तो कभी 10। किस बात के पैसे देती थी? सर वो हम सरिता जी को खुश रखते थे सर। सर हम सोते थे उसके साथ। सर सच कह, जब विकास चौधरी का मर्डर हुआ था ना, तब हम दोनों की फट गई थी सर। हमें लग रहा था कि सरिता जी मर्डर का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल देगी, लेकिन सरिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उससे पैसे ले लिए, और इसके अलावा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और सर इस काम के लिए सिर्फ हम दोनों नहीं थे, शायद और भी लोग होंगे। सरिता जी, आपकी खामोशियों के लिए ना तो हमारे पास टाइम है ना ही मोड। हाँ या ना, आपके जिस्मानी संबंध थे हरीश और मनोज के साथ? देखिए ये मेरी प्राइवेट जिंदगी है और इससे कत्ल का कोई ताल्लुक नहीं है। ये दोनों सच बोल रहे हैं या नहीं? हाँ सच बोल रहे हैं। और आपके पति विकास चौधरी को पता लग गया था इस बारे में? नहीं, उन्हें वैसे भी मेरी परवाह नहीं थी, उनके अपने रिश्ते थे। जैसे कि पायल वाजपेयी, इसके बारे में आप सब कुछ जानते थे पर हमारे सामने अनजान बन रहे हैं। मुझे पायल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मेरे पति को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्यार करना तो दूर, मैं उन्हें उनकी खामियां, उनकी नाकामयाबी याद दिलाती थी। चुनाव में हार की नाकामयाब? नहीं, हर तरह की नाकामयाबी। देखिए आप 24 घंटे अपने काम में बिजी रहते हैं, मुझे भी ना अब अपनी जिंदगी में कुछ करना है। मुझे पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में ना अब दिलचस्पी आने लगी है, लोगों से घुलना मिलना, उनकी मदद करना अब अच्छा लगने लगा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये चुनाव खुद अपने बलबूते पे लड़ूं। इलेक्शन लड़ना है तुम्हें? चुनाव लड़ना चाहती हो तुम? कठपुतली का काम होता है सिर्फ इशारे पे नाचना, सिर्फ इशारे पे नाचना, अपनी मर्जी से उछलती नहीं कठपुतली, समझी? ये जो सीट है ना, मेरी सीट है और तुम सिर्फ एक पुतला हो, मजबूरी हो मेरी। मैं आपकी मजबूरी से जिम्मेदारी बनना चाहती हूँ, सीट आपकी ही रहेगी, मैं बस आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मेरे अंदर भी तेरे अंदर क्या है और क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जो पाठक है ना, उसकी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। तुम दोनों मिलके क्या करते हो वो भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। पाठक जी तो सिर्फ मुझे सीट दिलाने में मदद कर रहे हैं। चाहिए उसकी मदद? मेरी खींची हुई लकीर को पार किया ना, खत्म कर दूंगा तुझे। बहुत डरता था वो आदमी, डरता था कि अगर मैं खुद से कामयाब हो गई तो उसकी पोल खुल जाएगी, पर मैं भी इंसान हूं और मेरी अपनी जरूरतें थी। तो हाँ, मेरे दूसरे मर्दों के साथ जिस्मानी संबंध थे। मर्डर अकेले किया आपने? इसमें रामनिहाल पाठक का भी हाथ था? किसी का हाथ नहीं था, खून ज्ञानी भैया और कुंदन ने ही करवाया है। उस दिन वो लोग आपके घर आए नहीं थे, उन्होंने विकास को आवाज लगाई नहीं थी।
शुरू से अब तक आप हमसे झूठ बोलती आई हैं। आपने मनोज और हरीश को क्या पकड़ लिया? आपको लाइसेंस मिल गया मुझे बदनाम करने का? आप मुझे खूनी बोल रहे हैं, झूठी बोल रहे हैं और अब बच्चलन भी बोलेंगे। आपको जो भी बोलना है समझना है, ये आपका जिम्मा है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ और बार बार कहूंगी, विकास के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। उस वक्त हम पूरी तरह पक्का थे कि सरिता ने ही अपने पति का कत्ल करवाया था, पर तब मौजूदा हकीकत यह थी कि हमारे पास सरिता चौधरी पर चार्ज लगाने एक भी ठोस सबूत नहीं था। अब हमें एक बार फिर एक पैंतरा अपनाना पड़ा, जिससे कि वो सच सामने आता जिसे बखूबी छुपाया गया था कि विकास के कत्ल को कैसे अंजाम दिया गया। सरिता के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी नजर नहीं आ रही जिसे उठाकर हम सवाल कर सके। सर मुझे नहीं लगता सरिता इस साजिश और कांड में अपना रेगुलर फोन इस्तेमाल कर रही होगी। जरूर उसके पास कोई दूसरा खुफिया नंबर होगा। तो मोटा मोटा सरिता के फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि सरिता और रामनिहाल के बीच बातें होती थी, और पार्टी चीफ और कैंडिडेट के बीच बातें होती हैं। इससे कत्ल की साजिश की तरफ कोई अंदेशा नहीं होता सर। हमें कोई नया तरीका ही अपनाना होगा। अब घुमा फिरा कर कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे आमने सामने भिड़ने का वक्त आ गया। आपको पता है कि आप धमकी दे रहे हैं? ये भी पता है कि किसे धमकी दे रहे? नहीं पाठक जी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, कुछ जरूरी सवाल पूछ रहा हूं। अगर धमकी देनी होती तो अज्ञात नंबर का, अज्ञात कॉलर का इस्तेमाल करता, जैसा कि लोग करते हैं, आप जानते ही होंगे। अच्छा, धमकी के बाद अब ब्लैकमेल भी? एक मुहावरा सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर भी कह रहे? लगता है तुम्हें ट्रांसफर की तलब लगी है इंस्पेक्टर, या फिर सस्पेंशन की मुराद? मेरी मुराद है विकास चौधरी मर्डर केस की फाइल जल्द से जल्द क्लोज करना। सरिता चौधरी ने ही अपने पति विकास चौधरी के मर्डर की साजिश रची थी, और इतनी गहरी साजिश में अगर कोई उसका साथ दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप सीधे सीधे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? लगता है आपके सीनियर गोयल साहब से बात करनी पड़ेगी, और उनसे बात करके आप मुझे इस केस से हटवा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे, मेरी पोस्टिंग कहीं दूर हो जाएगी और मैं चुपचाप चला जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है राजपूत? कोई और केस नहीं है क्या? दर्जनों केस हैं पैटर्न जी, पर ये केसों में से एक केस है। अगर कोई दूसरा केस होता तो सस्पेक्ट की नाक में रस्सी डालकर घसीटते हुए ले जाता अपने थाने, और फिर टॉर्चर करके उसे जुर्म कबूल करवा दिया, तो इस केस में हो नहीं सकता। यही मसला है ना? मसला ये है पाठक जी, किस केस के मुजरिमों को लगता है कि वो कुछ भी करके निकल जाए, और तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्लोज कर दो ना केस, सुपरमैन तो हो नहीं। तो रही बात मेरी, तो आखिरी बार कहता हूं, मैं विकास चौधरी के कत्ल में किसी भी तरह शामिल नहीं था। पर कोई तो शामिल था जो निकल गया है, मुझे उस तक पहुंचना है पाठक जी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ, और कातिल सरिता चौधरी ही है, अकेली। अकेली? कोई सबूत है आपके पास? सबूत होता तो कब का बता दिया होता ना आपको। नहीं, मैं इस साजिश में शामिल नहीं हूं। हाँ, अगर आप सरिता के बारे में पूछते हो तो उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने में मैं उसकी मदद करता था, मैं उसको सपोर्ट करता था, करता हूं, लेकिन जरूर वो विकास से तंग आ गई होगी। उसे छुटकारा पाने के लिए उसने ऐसा किया होगा, लेकिन उसने ये सब कैसे किया ये मैं नहीं जानता। पिछले एक साल में काफी बदल गई, बहुत ही चालाक और शातिर हो गई सरिता। अरे सबको चौंका दिया था उसने, ना ही विकास ने ना ही मैंने सोचा था कि जो सरिता कठपुतली थी उसका दिमाग इतना तेज होगा। पॉलिटिक्स के लिए ही बनी है वो। अब ये सब उसने कैसे किया, किसका इस्तेमाल किया, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन इस साजिश में मैं शामिल नहीं हूं। लेकिन इस साजिश में मैं शामिल नहीं हूं। आने वाले एक हफ्ते में इस केस की फाइल क्लोज होने वाली थी। विकास चौधरी के कत्ल के पूरे 3 महीने बाद हमारे हाथ गिरीश लगने वाला था, जो एक हिस्ट्री शीटर था पास के कस्बे से। पूरा नाम गिरीश भाटी है सर। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में हमने गिरफ्तार किया था उसे।
और उसने विकास चौधरी का कत्ल कबूल किया है। गिरीश ने अपने सारे पिछले जुर्मों को कबूल कर लिया, अपने बॉस का नाम भी बताया उसने। बॉस कौन है गिरीश का? एक केदार मिश्रा है, बलरामगढ़ के पास कहीं छिपा है। सरिता जी, केदार मिश्रा और गिरीश भाटी ये दोनों हमारी हिरासत में हैं। और बड़ी अजीब बात यह है कि इन दोनों के पास सारे सबूत है कि इन्होंने आपके पति को मारा है, आपके कहने पे मारा। खोट रहा था मुझे वो आदमी, ना पॉलिटिक्स में आगे जाने दे रहा था और ना ही निजी जिंदगी बसर करने दे रहा था। शादी के पहले दिन से पीट रहा था वो मुझे, और इलेक्शन हारने के बाद तो और भी पीटने लगा। पहले मैं दुखियारी अबला थी, पिटाई जिल्लत सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती थी, पर अब मैं वैसी नहीं थी। मैं मजबूत बन गई थी, चाले चलना सीख गई थी। प्लीज अर्जुन को कुछ मत बताना, अर्जुन को बताना मत कि मैं यहाँ पर बैठ कर खाना खा रही हूँ, प्लीज वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तुम ये पैसे रखो, बाद में आके तुम्हें और भी पैसे। पैसा नहीं छोड़ता खाने के लिए, बेचारी माया मैडम। सांझ के साथ मिलकर खाना खाते थे ना अर्जुन, अब जब ये डायरी पुलिस तक पहुंचेगी तो तुम दोनों साथ मिलकर खाना और मुझे याद करना। काफी पेचीदा शातिर प्लान बनाया सरिता जी। पोस्टमार्टम डॉक्टर को धमकी, ये मैंने अपने करियर में पहली बार देखा। फिर हमें पायल वाजपेयी पर लीड देना, उसके बाद सरपंच मनीषा प्रजापति की तरफ भेजना, और फिर दीपिका राय की तरफ। इस प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? तो आप ये कह रहे हैं कि मैं मासूम हूं? वो तो दूर दूर तक नहीं है। मुझे पता करना है तुम्हारा आका कौन है और तुम उसका नाम क्यों नहीं ले रही। आप नाम बता दीजिए, वही दोहरा दूंगी आपका तोता बनकर। रामनिहाल पाठक। उसका नाम लो। ना लेने से अब तुम तो नहीं बचोगी। इतना तो समझ ही गई होगी पॉलिटिक्स में रहकर कि डूबते हुए नाव से सब बाहर कूद जाते हैं। मैं ये नाव खुद अकेले चला रही थी इंस्पेक्टर, क्योंकि मुझे ये सफर अकेले करना था। मैं तंग आ गई थी विकास से, पूरी तरह से। मेरा कोई आकर नहीं था और वही तो मुद्दा था, कोई मुझे खुद का आका बनने ही नहीं दे रहा था। गिरीश भाटी और केदार मिश्रा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। केदार ने हमें यह भी बताया कि धमकी वाले फोन कॉल्स उसी ने किए थे। सरिता चौधरी यही कहती रही कि उसने अकेले ही इन दोनों क्रिमिनल्स द्वारा विकास को मरवाया था, और उसका बयान हुए जुर्म के साथ बराबर मैच कर गया है। और हालांकि हमें शक था कि इस साजिश में सरिता चौधरी के ऊपर कोई आका है, पर हमें उसका कोई सबूत नहीं मिला। हमारे रिकॉर्ड्स में यह केस फाइल क्लोज हो चुकी है, पर सही मायने में क्लोज तब होगी जब केस कोर्ट में जाएगा, सुनवाइयां होंगी और दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। इस केस में सरिता चौधरी ने हमसे काफी चक्कर कटवाए, हर कोई शक के दायरे में था, हर किसी ने दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछा रखे थे ताकि हर कोई तनाव में तिलमिलाता रहे, पर आखिरकार सारी कड़ियां जुड़ गईं। हमने हमारी तरफ से सारी कोशिशें की यह पता लगाने की कि ये कड़ियां हमारी तहकीकात के चलते जुड़ी थी या इन्हें रिमोट कंट्रोल से किसी ने जुड़वाया था। आखिर में हमें यही पता लगा कि ये कड़ियां अपने आप से जुड़ी थी, कुछ और होने का कोई अंदेशा नहीं मिला। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.